हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए ये जानते हैं कि टैली में हम लेजर्स बनाते समय क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि स्टॉक आइटम बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। इसके अलावा रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर और सेल्स वाउचर, इन सब की डिटेल जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पर दो कंपनियां हैं, पहला वेट ऑप्शन और दूसरा एबीसी, ठीक है। इन दोनों में से एक कंपनी को हमको चूज करना है। हम एबीसी को चूज करते हैं, वेट ऑप्शन कंपनी को हम बंद कर देते हैं, यहां से शट कर देते हैं। तो यहां से इसको कर दिया हमने बंद, ये शट कंपनी पे जाएंगे और यहां से वेट ऑप्शन कंपनी जो है इसको बंद कर दिया। अब एबीसी कंपनी हमारे पास ओपन है, केवल एक कंपनी, ठीक है। अब हमको यहां पर सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। क्यों रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है? क्योंकि पैसा हमारे कंपनी में है नहीं और कोई भी कंपनी बिना पैसे के नहीं चलती है। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, चले गए, F6 प्रेस करना है आपको, आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से बना रखा है मैंने, अगर आपने नहीं बनाया है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिए कैपिटल अकाउंट, अंडर में डालिए कैपिटल अकाउंट के और बन जाएगा कैपिटल अकाउंट का लेजर जब आप उसे एक्सेप्ट करा लेंगे तब। फिलहाल मैंने बना रखा है तो मैं यहां से सिर्फ सी प्रेस करता हूं और कैपिटल अकाउंट यहां पर आ जाएगा। यहां पर हमारी कंपनी में 7 लाख रुपया बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें अपने कंपनी में अभी पैसा डालने की जरूरत नहीं, लेकिन चाहे तो आप और भी पैसा डाल सकते हैं कंपनी में, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर 10,000 रुपये मैं अपने कंपनी में डाल देता हूं और डाल दिया। यहां पर कैश कर देंगे और एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये काम हो गया आपका। अगर नहीं किया है तो चलिए कर लेते हैं। चलिए हमारे लेजर्स तो बनी चुके हैं, हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करना है। तो आप कंपनी फीचर्स की विंडो पे आ जाएंगे, इसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर जीएसटी इनेबल करने वाला बॉक्स ओपन हो गया है, आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको इनेबल कर देना, वाई प्रेस कर देना, एंटर प्रेस करना है। फिर जो सेकेंड ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां से स्टेट आपका उत्तर प्रदेश ही है। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो 6 महीने या 3 महीने पर एक ही बार में जीएसटी फाइल करते हैं, लेकिन हम रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो हम रेगुलर रखेंगे। यहां पर जीएसटी आईएन नंबर जो कि आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है वो यहां पर डाल देना होता है, ठीक है। एंटर प्रेस करिए, इसको वेरीफाई करेगा टैली, जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, जिस डेट से वो डेट आ जाएगी। और हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, क्वार्टरली फाइल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, नो प्रेस करेंगे। ई वे बिल को हम नो रख रहे हैं अभी, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिए। यस जैसे ही करेंगे तो यहां पर एचएसएन कोड को मैंने इनेबल रखा है। एचएसएन कोड इनेबल या डिसेबल कैसे होता है, इसके लिए आपको यहां से F12 की प्रेस करना होगा और यहां पर अगर आप एन यानी नो प्रेस कर देंगे तो यहां से एचएसएन कोड जो है इनेबल नहीं होगा, फिर यहां पर एचएसएन कोड दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही F12 प्रेस करके आप इसको यस करते हैं तो एचएसएन कोड भी यहां दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एचएसएन कोड आ गया, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं प्राइमरी आइटम, ओके, एंटर प्रेस किया। एचएसएन कोड जो भी हो यहाँ पे डाल दीजिएगा आप रिलेटेड। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टैक्सेबल रखना है, अगर टैक्सेबल नहीं रखेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो टैक्सेबल रख दीजिए। रिवर्स चार्जेस को अभी नो रखिए। इंटीग्रेटेड टैक्स, जब आप राज्य के बाहर माल बेचते हैं या खरीदते हैं उस कंडीशन में हम इंटीग्रेटेड टैक्स देते हैं। यहाँ 15% का टैक्स लगा दिया, 7.5 के हिसाब से डिवाइड हो गया ये। आप राज्य के अंदर माल बेचेंगे तो भी आपका 15% टैक्स लगेगा, बस वो स्टेट और सेंट्रल में 7.5 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी है, इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। अल्ट ए प्रेस कर दिया हमने, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, जीएसटी इनेबल हो गया। चलिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, आ गए। यहां से आपको आना है कहां, परचेज वाउचर में, जहां कि हम ऑलरेडी हैं। तो यहां 900 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है, ये नंबर याद रखिएगा 900, ठीक है, इस बार 900 रखा है हमने। एंटर प्रेस किया और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा। कभी भी परचेज वाउचर में क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर आता है, आ गया। लोकल ही एड्रेस है तो यहां लोकल का जो एड्रेस है वो मैं डाल देता हूं, डाल दिया। एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराया। अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे।
तो यहां लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट, देंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर 900, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ रहा था तो लेजर लगा दिया। यहां पे करेंगे न्यू कॉलोनी देवरिया, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाए पर वापस चलते हैं। 900 नंबर का हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे 900 लिखा हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, तो ये एड्रेस लगा देते हैं यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, और एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट कराया। यहाँ पर परचेज अकाउंट जो दिख रहा है अब इसमें सुधार हो चुका है। अब यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम बनाने हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। चलिए यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाते हैं। सबसे पहले हम जावा की बुक खरीदेंगे, यहाँ लिखा हमने जावा, ठीक है, एंटर प्रेस किया, इसको प्राइमरी ही रहने देते हैं। यहाँ पर यूनिट बनाने की जो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, आईटीएम कर देता हूं मैं आइटम, आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ फॉर्मल नेम आइटम कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और कोड यहाँ पैक या पैकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैक्स कर देता हूँ मैं, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके और यहाँ पर एक्सेप्ट कराऊंगा इसको। ये हो गया और यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा ये, एंटर प्रेस करिए। कितनी क्वांटिटी जावा की बुक की खरीदना है, 80 किताबें खरीद रहे हैं, 900 प्राइस है इसकी, एक किताब की 900, तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो बुक है वो है पाइथन की बुक, तो यहाँ पर पाइथन लिख लेता हूँ मैं, पाइथन बुक लिख देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर प्राइमरी ही रखते हैं, यहाँ पर आइटम कर देते हैं, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ गुड्स, एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। 12 किताबें पाइथन की खरीद रहे हैं, एक किताब की कीमत है 1600 रुपए, ठीक है। इसके बाद फिर एक और बुक जो कि विजुअल बेसिक के लिए है, तो यहां पर मैं विजुअल बेसिक देता हूं, विजुअल बेसिक इसकी बुक है, ठीक है, तो विजुअल बेसिक लिखा हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और गुड्स रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे इसको भी, ये करा लिया हमने। इन सबको करा लेने के बाद अब जो चौथा आइटम हम बनाएंगे उसके पहले हम टैक्स लगा के दिखाते हैं। ये 6 बुक है, इसकी कीमत 770 रुपए, नीचे आएंगे, यहां पर हमें जीएसटी लगाना है, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं इन सब पे जीएसटी पहले से एप्लीकेबल तो नहीं हो गया, तो अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए और देखिए यहां पर इन सब पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल पहले से है, क्योंकि जब हम इन आइटम्स को बना रहे थे उसी वक्त हमने जीएसटी इस पर सेट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, जब हमने जीएसटी इनेबल किया था तो बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी लग रही है वही जीएसटी यहाँ पे है। अब यहाँ पर जब हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे तो वो अमाउंट भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कैसे आएगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर डी प्रेस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, आ गया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे जीएसटी लगा लेंगे और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स रखेंगे, ठीक है, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, लिमिट 3 कर देता हूं ताकि पॉइंट में 3 तक ये ले सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीएसटी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। जब हम अल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं, अभी रुक जाइए, पहले एसजीएसटी भी बना लेते हैं, तो एसजीएसटी लगा लिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ओके, यहां पर स्टेट टैक्स और नॉर्मल राउंडिंग और यहां पे 3 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोनों बराबर बराबर अमाउंट में कैलकुलेट होकर हमारे पास आ रहा है। अब हम यहां अल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो यहां आप देख पाएंगे कि किस किस औसत में ये टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। अब जबकि हम एक और स्टॉक आइटम यहां पे बनाने वाले हैं, ठीक है, इन सब बुक्स के अलावा एक बुक हम एक्सेल की भी यहां पे मंगा लेते हैं, EXCEL एक्सेल, और यहां पर आइटम रखते हैं, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर देंगे, कर दिया। यहां पर एक्सेल की बुक है तो यहां लिख देता हूं एक्सेल, इसका जो एचएसएन कोड है वो डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे, ठीक है। यहां पर जो टैक्स लगेगा इन सबसे अलग लगेगा, यहां पर हम टैक्स लगाएंगे 10.2% का, तो आधा आधा ये डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और इसको अब गुड्स रख के एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, करा लिया। अब यहां पर सिर्फ 6 आइटम ही हम इसके खरीदेंगे और कीमत क्या रहेगी 500 रुपए, ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पे देख सकते हैं एक्सेल
भी आ चुका है, ठीक है। 3000 रुपए का एक्सेल का बुक हमने खरीद लिया, इसी 3000 रुपए में टैक्स भी है। तो अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, अब एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओके। ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि जब हम खुद से जीएसटी एप्लीकेबल कर रहे हैं, खुद से हर आइटम पे अलग अलग टैक्स देना चाहते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो अभी मैं इन दोनों पे एक ही टैक्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ और यहाँ पर एक्सेस दे देता हूँ, एक्सेस, ओके, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर कोई HSN कोड डाल देंगे, एंटरप्रेस करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और यहाँ पर 10.2% का टैक्स जो कि उस पर हमने लगाया था वही टैक्स इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ गुड्स रहेगा, और अब एक्सेप्ट कराएंगे इसको। अब यहाँ पर भी 6 ही आइटम हम ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कीमत भी 500 ही रहेगी, तो यहाँ पर भी 3000 ही आएगा। अब हमको ये देखना है, अब एक और आइटम इस पर हम अलग टैक्स रेट सेट करेंगे, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की बुक की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने जावा स्क्रिप्ट, लिख दिया, एंटरप्रेस किया, टैक्सेबल रहे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे यस करेंगे इसको, और इस बार यहाँ पे लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट, लिख दिया, एंटरप्रेस किया, HSN कोड डाल देते हैं, ऑन वैल्यू, और यहाँ टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पर अब अलग टैक्स रेट करेंगे, 14.8% का टैक्स लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, गुड्स रखेंगे, ठीक है, इसकी कीमत भी सेम ही रखेंगे, 500 रुपये ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अब हमें यह देखना है कि टैक्स कितना लग रहा है, ओके। अब हमको इसको एक्सेप्ट करा लेना है, यहाँ से CGST SGST लग चुका है, अब इसको एक्सेप्ट कराना है हमें, न्यू रेफरेंस कर दिया हमने, एक्सेप्ट करा लिया इसे, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ, डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, दोबारा डी प्रेस कीजिए, ये परचेज वाला जो एंट्री है यही हमारी एंट्री है जो हमने बनाई थी, ठीक है। अगर इसको प्रिंट देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बी प्रेस कर सकते हैं, फिलहाल हम इसमें टैक्स देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर सकते हैं। यहां पर पूरे टैक्स की डिटेल आई हुई है, देखिए यहां पर इन दोनों पर सेम रेट से टैक्स अप्लाई हुआ है, देख सकते हैं अमाउंट भी सेम है, सेम रेट से मैंने टैक्स अप्लाई किया है, और ये तो बाय डिफॉल्ट जो टैक्स लगाया था वो है, जबकि हम जीएसटी इनेबल कर रहे थे उस वक्त जो टैक्स दिया था उसके हिसाब से ये सब आया हुआ है, ठीक है। यहां पर 10,800, 2,880, 93, ये जो टैक्स है ना ये उसके हिसाब से आया हुआ। यहां पर जो एक्सेल पे टैक्स लगाया है ये हमारा, हम अलग से आइटम पर जो टैक्स लगाया उसके हिसाब से आया, फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बुक पे जो टैक्स लगाया वो भी अलग से टैक्स आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट पर हमने टैक्स ज्यादा लगाया था, समथिंग 14% से ज्यादा टैक्स लगाया था, तो वो यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं आप, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, यानी इस तरह से हम टैक्स भी पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सिर्फ आपको पी प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहां पर ये अब इसको सेव करना है हमें, तो यहां डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूं, यहां से मैं इसे बुक्स नाम दे देता हूं, बुक्स, ओके, और इसको सेव करेंगे कहाँ, डेस्कटॉप पे, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो ये बुक्स के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। अब चल के इसका प्रिंट देखते हैं कैसा इसका प्रिंट आया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं ये सारे बुक्स की कीमत यहां आई हुई है, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं ये टोटल कॉस्ट आई हुई है, टैक्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और CGST SGST कितना लगा हुआ है, ये सब सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। HSN कोड का कॉलम अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी।